हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल एकेडमी। मेरा नाम है अब्दुल और डिजिटल लॉजिक डिजाइन में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रे कोड्स एंड सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक मैंने ऑलरेडी ग्रेट क्वेश्चंस भी अपलोड कर दिए, नंबर सिस्टम के हम कन्वर्शंस भी देख चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियोस में देख लीजिए, और वीडियोस कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ फ्लूइड मैकेनिक्स के आपके दोस्तों के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स भी अपलोड हम कर रहे हैं, तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ना बात कर लेते हैं ग्रे कोड के बारे में। सबसे पहले हम ग्रे कोड देखेंगे। सो ग्रे कोड में यहाँ पे कहा गया है कि ग्रे कोड का डेफिनेशन है, इट इज़ अ यूनिट डिस्टेंस सेल्फ रिफ्लेक्टिव साइक्लिक कोड। ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्टिव साइक्लिक कोड याद रखना, ये चीज़ ग्रे कोड के लिए याद रख लेना। सेल्फ रिफ्लेक्शन इज यूजफुल फॉर डिराइविंग एन बिट ग्रे कोड फ्रॉम एन माइनस वन बिट ग्रे कोड। अब ये कैसे होगा ये हम पता लगाएंगे। ठीक है, मान लो मेरे पास वन बिट है। वन बिट ग्रे कोड यानी क्या होता है, जैसे कि जीरो और वन, ये हो गया। ठीक है, अभी टू बिट में क्या होगा, तो टू बिट ग्रे कोड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होगी, थोड़ी सी होगी, ज्यादा नहीं होगी। सो ये हो जाएगा जीरो जीरो एंड जीरो वन। ठीक है, समझ में आ गया। अब थ्री बिट कैसी होगी, नाउ यहाँ पे टू बिट ग्रे कोड कैसे होगा, तो टू बिट बनाने के लिए हमें इस्तेमाल करना होगा एन माइनस वन, मतलब एन की जगह पे हम टू रखते हैं, तो इस्तेमाल करने के लिए कौन सा यूज करेंगे, एन माइनस वन यानी टू माइनस वन वन, तो वन बिट ग्रे कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे टू बिट कैसे बनेगा, ये जीरो जीरो हो गया, फिर यहाँ पे जीरो वन हो गया। ठीक है, अब अभी और कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये जो जीरो जीरो है ये हो जाएगा वन वन, और यहाँ पे 01 रिफ्लेक्ट हो जाएगा 10 से, मतलब ये वाला पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिट चेंज होगी 0 से 1। समझ में आया, ये जो 1 बिट 2 बिट किस तरह से हुआ। अब 3 बिट कैसे होगा, 3 बिट बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 बिट के लिए 2 बिट को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा में ऐड करेंगे जीरोस। ठीक है, और अब हो जाएगा ये वन 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 वन, इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, और अब क्या होगा, ये वाला पूरा रिफ्लेक्ट होगा, जैसे कि ये हो जाएगा जीरो वन वन जीरो, और ये वाला हो जाएगा वन वन जीरो जीरो। तो ये हमारा बन गया थ्री बिट ग्रे कोड। समझ में आया किस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ, थ्री बिट ग्रे कोड बनाने के लिए हमने यूज किया टू बिट का, तो 2 बिट का ये पूरा पार्ट हमने लिख दिया यहाँ पे 0 और ये फिर 1, एंड बाकी का जो अगर पार्ट देखते हो ये वाला पार्ट, ये पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है। समझ में आया किस तरह से क्रिएट हुआ। ठीक है, तो अब आपको 4 बिट ग्रे कोड आराम से बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो अब 4 बिट बना लेते हैं। 4 बिट बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 4 बिट के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे ऊपर से लिखता हूँ। 4 बिट बनाने के लिए पूरा 3 बिट तो लिखना ही रहेगा, तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 and 1 0 0। ये हमने पूरा लिख दिया। अब सबके आगे हम पहले क्या करते हैं, जीरो लगा देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अभी रिफ्लेक्टिंग पार्ट में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट में ये हो जाता है 1 1 1। ठीक है, 1 1 1 कितनी बार आएगा, यहाँ पे 4 बार आएगा, और बाकी का पूरा पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट होकर कैसा बनेगा ये मुझे आप कमेंट करके जरूर से बताना। बहुत सिंपल सा काम है, ये 0 है, रिफ्लेक्शन में ये 1, फिर ये 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा अलाइनमेंट का इश्यू आ सकता है और स्पेस भी नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप आराम से बना सकते हो। तो किस तरह से बनेगा ये समझ में आ गया ना, पूरा इसका रिफ्लेक्ट करना है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, इट इज सेल्फ रिफ्लेक्टिव साइक्लिक कोड। सेल्फ रिफ्लेक्टिव साइक्लिक कोड ये याद रखना, और ये हमारा ग्रे कोड है, बेसिक है। इसके ऊपर और भी जो सम्स होंगे अगर आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हम देख लेते हैं ग्रे कोड के बाद आता है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड। ये क्या होता है, इसके अंदर कौन से टाइप होते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड देख लेते हैं, ये आप मुझे कंप्लीट करके कमेंट में जरूर से बताना। ठीक है, नाउ देख लेते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड क्या होता है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड, इसका डेफिनेशन यहाँ पे है, एग्जाम्पल भी मैं डिस्कस करूंगा। लेट एक्स इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ बाइनरी सिस्टम पी। एक्स क्या है, डेसिमल वैल्यू है बाइनरी सिस्टम पी का।
Then 9's complement of x, 9's complement of x is 9 minus x is obtained by complementing bit pattern of p. अब ये आपको डेफिनेशन मुझे 100% पता है, सीधा आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन सिंपल सी भाषा में कहूँ ना, तो आपके पास अगर कोई नंबर है, आपने अगर उसको किसी पैटर्न, मान लो बाइनरी सिस्टम पैटर्न p के अंदर आपने उसको रखा हुआ है एक नंबर को, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा ना, वो एक्चुअल में क्या होगा पता है, वो 9's कॉम्प्लीमेंट होगा. ओके, मैं शायद आपको इसके मतलब एग्जांपल के बिना इसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, एग्जांपल लूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है. जो भी आपका नंबर, आपका जो 9's कॉम्प्लीमेंट होगा वो किस तरह से मिलेगा, 9 माइनस एक्स से मिल जाएगा. अब ये आपको किस तरह से मिलेगा बताता हूँ, लेकिन एग्जांपल देख लो कि ये कौन से कोड को है, कॉम्प्लीमेंट कोड होते कितने हैं. मतलब दो है हमारे पास, 2421 BCD कोड, ये एक तरह का सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड है. एक्सेस 3 कोड है, एक्सेस 3 के बहुत सारे हैं, जैसे कि एक्सेस इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सेस स्मॉल में भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ऐसे अलग अलग तरह से लिखा जाता है उसको, एक वही होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है. तो एक्सेस 3 कोड भी एक तरह का सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड है. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपको ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ. अब हम एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, जैसे कि ये जो है आपका नॉर्मल 8421 BCD कोड है, जो हम नॉर्मली लिखते हैं 00000123 तक, ये हमारा नॉर्मल है. यहाँ से आपको सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड ये है, लेकिन ये आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ ये किस तरह से काम करता है. BCD कोड 2421 क्या होता है, 2421 आपको यहाँ पे नेम से ही समझ में आ जाता है कि ये जो है 2421, यहाँ पे 4 से ज्यादा यहाँ पे नहीं जा रहा है, यहाँ पे 2421 के फॉर्म में आपको यहाँ पे सारे के सारे बिट्स मिलेंगे, इसका जो वेट जो है वो इस तरह से मिलेगा. अब एक्सेस 3 कोड का क्या होता है पता है, एक्सेस 3 मतलब एक्सेस का मतलब क्या होता है, एक्सेस मतलब प्लस, एक्सेस यानी बड़ा के ज्यादा, ठीक है. तो एक्सेस 3 का मतलब क्या होता है, ये जो आपका नॉर्मल कोड है ना, इसमें आप अगर प्लस 3 करोगे ना तो ये हो जाएगा एक्सेस 3 कोड. जैसे कि ये मेरा 0 है, तो 0 प्लस 3 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा. तो जो हमारा बीसीडी कोड में 0 होता है, एक्सेस 3 में वो होता है हमारा 3, ठीक है, समझ में आया, प्लस 3 करके होता है. और एक्सेस 3 के लिए यहां पे ये जो है वो क्या है, 0 है. एक्सेस 3 पैटर्न में ये क्या है, 0 है. तो एक्सेस 3 पैटर्न में यहाँ पे अगर मैं कहूँ एक्सेस 3 पैटर्न का यहाँ पे 0 क्या होगा, तो 0 में हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 3 करना होगा, और हमारे पास जो बनेगी पैटर्न जैसे कि 0011, तो ये हमारा एक्सेस 3 कोड होगा, ठीक है. तो एक्सेस 3 पैटर्न में अगर मुझे 0 को दिखाना है तो प्लस 3 करूंगा, तो 0011 हो जाएगा. 0011 क्या है, 8421 के हिसाब से 2+1 3. अब 001 के प्लस 3 करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 0100 ये आपको 4 दिख रहा है, ठीक है. तो एक्सेस 3 पैटर्न का जो 1 होगा वो क्या होगा, 0100, उसमें हम प्लस 3 करके जो हमारे बिट्स बनेंगे वो हम रख देंगे. समझ में आया ये दोनों. अब ये किस तरह से सेल्फ कॉम्प्लीमेंट है, जैसे कि यहाँ पे ये आपको नॉर्मल दिख रहा होगा 00000100010001113, फिर 4 क्या है, 0100. अब यूजुअली 5 के लिए हम क्या करते हैं, 5 के लिए क्या होता है, 0101 होता है ना, यहाँ पे हम यही करते हैं ना, ये रहा 5, ऐसे ही लिखते हैं ना, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब लिख सकते हैं, ऐसा दिख रहा है लिख सकते हैं 0101, क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 4 इज लेस देन 5, तो मुझे यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को 1 करना पड़ेगा. तो यहाँ पे जैसे ही मैं ये वाली बिट को 1 करता हूँ, तो ये वाली बिट का वेट क्या है, 2 है, तो 5 में से 2 जाते हैं तो अभी मेरे पास 3 बचते हैं, तो 3 को लाने के लिए मैं ये दोनों को एक्टिवेट करूंगा. समझ में आया, तो इस तरह से मुझे 5 मिला. 6 के लिए क्या करेंगे, ये तो हमारा रहेगा ही, तो 2 है, फिर 4 तो हो गया 1100. 7 क्या होगा, 7 क्या होगा, 1 फिर 1101. 8 क्या होगा, तो 8 के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल 1110. और 9 क्या होगा, तो 111. समझ में आया. अब ये हमने बनाते सीखा, अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, देखो 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 0 हो गया, 0 है तो 1, 0 है तो 1, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, और ये वाला जो है इसका, सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है. हमने किया, मैंने किया, आपने किया, नहीं, ये खुद ही हो गया ना, इसीलिए इसको कहा जाता है
सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड, समझ में आया? अब वो जो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट था ना, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, किस तरह से होगा वो मैं समझाऊंगा। अब एक्सेस थ्री के लिए देख लेते हैं। तो एक्सेस थ्री भी यहाँ पे अगर आप देखो तो फोर के बाद ये भी अपना रुख बदल देता है, जैसे कि जीरो वन वन था, जीरो की जगह पे वन वन जीरो वन जीरो वन जीरो, तो ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, ये भी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये भी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये भी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो गया, फिर ये भी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब कॉम्प्लीमेंट हो गए, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है, मान लो कि मेरे पास यहाँ पे फोर है, अब यहाँ पे मेरे पास मान लो, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे फोर है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे इसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, फोर जो है उसका मुझे क्या करना है, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, नाइन माइनस फोर करूंगा तो आएगा मेरे पास आंसर फाइव, ये मुझे करना पड़ेगा, है ना। जबकि अगर आप यही फोर को टू फोर टू वन में लिखते हो, जैसे कि ये है जीरो वन वन जीरो वन जीरो जीरो, तो सिर्फ मुझे इसको यहाँ पे रिवर्स करना है, तो ये मुझे क्या कर देगा, ये मुझे आंसर दे देगा। ये एक्चुअल में क्या है, ये फोर है, ये क्या है, फाइव है। किसका फाइव है, बी सी डी का फाइव है, देखो वन जीरो वन 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 जीरो वन वन, ये होता है ना फोर टू टू वन, तो टू प्लस टू फोर, फोर प्लस वन फाइव, तो मुझे नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट सीधा यहाँ पे मिल गया, मिल गया ना। सेम चीज एक्सेस थ्री में देखते हैं, सेम चीज एक्सेस थ्री में कैसे होगा, एक्सेस थ्री में तो एक्सेस थ्री का फोर क्या है, एक्सेस थ्री पैटर्न में फोर क्या होता है, एक्सेस थ्री पैटर्न में फोर जो होता है वो इस तरह से होता है जीरो वन वन वन, ठीक है ना, फोर प्लस थ्री सेवन, ये हमारा एक्सेस थ्री पैटर्न का फोर है, एक्सेस थ्री पैटर्न, इसको हम क्या बोलेंगे, फोर इन एक्सेस थ्री पैटर्न, ठीक है, फोर इन एक्सेस थ्री पैटर्न क्या है, जीरो वन वन। मुझे क्या चाहिए, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका मैं अगर कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो मुझे नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट दे देगा वन जीरो जीरो जीरो। वन जीरो जीरो क्या है, एक्सेस थ्री पैटर्न का फाइ है, क्या है, फाइ इन एक्सेस थ्री पैटर्न। अब ये हम एक्सेस थ्री पैटर्न क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो नंबर मुझे मिलेगा ये मुझे प्लस थ्री होके मिलेगा, दैट मीन्स ये क्या होता है, एट होता है, एट क्या है, प्लस थ्री, किसके अंदर प्लस थ्री करेंगे तो एट मिलेगा, फाइव के अंदर प्लस थ्री करेंगे तो एट मिलेगा, तो फाइव फाइव इन पैटर्न, इन एक्सेस थ्री पैटर्न इसको मैं बोल सकता हूं, क्योंकि फाइव प्लस वन कर, फाइव प्लस थ्री करूंगा तो एट मिलेगा, तो वन जीरो जीरो क्या है, फाइव इन एक्सेस थ्री पैटर्न। फोर इन एक्सेस थ्री पैटर्न का मतलब क्या हुआ, फोर प्लस थ्री सेवन, तो जो भी हमारे जो फोर बिट्स अरेंज होंगे वो हमारा क्या होगा, फोर इन एक्सेस थ्री पैटर्न, ठीक है। एक्सेस थ्री मतलब हमेशा थ्री प्लस करके हमें बताएगा, समझ में आ गया आपको, समझ में आया ये किस तरह से सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड क्या होता है, किस तरह से काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी नए टॉपिक्स देखेंगे। तो अगर वीडियो समझ में आई है तो कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो। पूरी प्लेलिस्ट है डिजिटल लॉजिक डिजाइन की, जिसमें मैं सारे आने वाले चैप्टर्स और सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।